कहीं कहीं उनको जोहार नमस्ते। अपने भाषा में बोला है क्या सेम जोश करोस की ताकतवर फाइल अपने कलेक्टिव आते अब्जा ने परचो करो अब्जा अगले परचो के लोग बजू आज ये पर्चा किसका बना है ये जो आवेदन दिया है वो किसका है किसका है तो ये कांतिपुर आदिवासी चुनाव नहीं लड़ रहा है ये समाज लड़ रहा है आप लड़ रहे हो। अगर कुछ जीत तो सुनिश्चित है कांग्रेस बीजेपी वाले अभी घबरा गए हैं इसलिए अगर कुछ ऊपर नीचे होता है चुनावों में ये लोग पैसा बांटते हैं दारू बांटते हैं तो हम लोग एसपी साहब और जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत जरूर करेंगे संवैधानिक तरीके से हमारे इलाके में दारू नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है आप सभी का मान सम्मान साथ में रहेगा और मैं शब्द कभी नहीं आएगा हम हमारा ये होना चाहिए तो काम होगा। मैं बिजू है चाहे मीडिया कोई भी सुने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये फूल माला पहना के क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग। मैंने कभी जिंदगी में माला नहीं पहनी है क्या करना है माला पहन के क्या करना है माला पहन के अगर इसकी जगह एक एक रुपए की माला होती 10-10 रुपए लगाए होते तो कमजोर कार्यकर्ताओं को माला में दे देता हूँ कम से कम 50 लोगों को मोबाइल द्वारा फोन करता हूँ 50 वोट अपने पक्ष में होते। इसलिए आपका मान सम्मान रखना जरूरी है लेकिन ज्यादा माला पहनाने का काम मत करो मेरे भाई यही सिस्टम हमको खत्म करना है। ये 70 साल से माला पहल पहल के तालियां बजाते रहे ये तालियां बजाने का काम भी बंद करना इसलिए माला नहीं पहननी। दूसरी बात ये है कि अपन लोग जिस प्रकार से डूंगरपुर बांसवाड़ा और आसपास के इलाके के जो भी हमारे साथी आए संवैधानिक तरीके से शांति प्रिय और किसी को खर्च किए बिना उस प्रकार से हमको वापिस जाना है और जितने भी यहाँ पे हमारे सदस्य आए आदिवासी समुदाय के मुस्लिम समुदाय के दलित समुदाय के ओबीसी वर्ग का और कोई जनरल भी आया है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग गांव में जाइए और पूरा गांव कब्जे में कीजिए और अपने बीटीपी में आप वोट करवाने का काम करेंगे यही आसार विश्वास है मुझे। बाकी मुद्दे तो सारे लोग जानते हैं सभी जानते हैं कांतिपुर आदिवासी ने लगभग हेतता होके ही नहीं होता हुए था आस है कांतिपुर आदिवासी कोई टॉप नहीं है तभी हो यस कांतिपुर आदिवासी आपने काम चालू कर दिया होते और गांव में बूथ में रात को वो लोग खुला बोल रहा हूँ कलेक्टर के सामने निर्वाचन आयोग को भी जाए तो जाए वीडियो ये लोग स्वच्छ और साफ लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन रात और रात में करोड़ों रुपया बांटते हैं कहां से आता है उनके पास पैसा भ्रष्टाचार का पैसा विकास का पैसा खा खा के उनकी तिजोरियां भर रखी है और तिजोरियां चुनावों में वापिस खर्च करते हैं। अगर आपने 100 रुपया लिया तो 5 साल तक तुम्हारा पताक हुआ लगा होगा तुम्हारे कहीं 5,000 रुपये मांगेंगे आया अगले पैसा अपने कहीं है नहीं मुझे हमें यानी आपका जो प्रत्याशी है आपका हमारा मेरा भी प्रत्याशी मैं स्वयं हूं इसलिए हमारा एक वोट और एक नोट चाहिए क्या चाहिए एक वोट और एक नोट तो आपकी जीत सुनिश्चित है। और जो भी दारू और हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन कुदरत ने एक इशारा किया है क्या किया है कांग्रेस और बीजेपी वाले पैसा लेके अपने गांव में आएंगे उनको कहना
कि हम आपको ही वोट देने वाले हैं। लाओ पैसा ले लेना, उधर साइड में कांग्रेस वाला है उससे भी ले लेना, ले लेना। और मैं आपके गांव में आ गया क्योंकि मेरे पास तो पैसा है नहीं। 25 रुपये गांव में खर्च कर देना, 25 रुपये मुझे देना और कहना जा कांति भाई पिलावा पिला गांव में जाए प्रचार कर, यू काम थी जाए आपने भाई। और लास्ट दिन गांव में अगर कोई दारू पैसा बांटने आता है तो आप लोग सीधा कलेक्टर साहब से बात कर सकते हैं, एसपी साहब से बात कर सकते हैं और थानेदार जो भी संबंधित एसएसओ जो है उससे भी बात कर सकते हैं। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो सीधा आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एसपी साहब के पास, चाहे डूंगरपुर के हो चाहे बांसवाड़ा के हो, क्योंकि इन्होंने भी संविधान की कसम खाई है और हम भी संवैधानिक तरीके से ही काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय जोहर, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश, जोहर सलाम, जोहर भीम, जोहर नमस्ते।